इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का प्रसिद्ध भुजलिया उत्सव पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मुख्य रूप से भुजलिया का चल समारोह शहर के छोटी बाजार से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए बड़ा तालाब पहुंचा। यहां पर भुजलिया विसर्जन के साथ ही समारोह का समापन किया गया। समारोह की खास बात रही कि इस बार भी यहां घोड़ों पर सवार होकर आल्हा उदल की चतुरंगिणी सेना की झांकी भी निकाली गई, जिसने सभी को मोहित कर दिया। वहीं जैसे ही यह चल समारोह आजाद चौक पहुंचा, तो मुस्लिम भाइयों द्वारा भुजलिया चल समारोह का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और भाईचारा की एक मिसाल पेश की। इस भुजलिया उत्सव में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे और जुलूस के साथ विभिन्न इलाकों में भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। मंगलवार को सांसद विवेक बंटी साहू के परासिया रोड स्थित निज कार्यालय में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों एवं भाइयों ने रक्षाबंधन के अवसर पर रक्षा सूत्र बांधकर सांसद के उत्तम स्वास्थ्य यशस्वी जीवन की कामना करते हुए उन्हें माउंट आबू के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान सांसद विवेक बंटी साहू ने सभी बहनों की रक्षा का वचन के साथ उन्हें उपहार दिया और उनके आमंत्रण पर जल्द विचार के लिए आश्वस्त भी किया। 21 अगस्त को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पांडुरना जिले के लोधी खेड़ा में आएंगे। मिली जानकारी के अनुसार वह नागपुर से सड़क मार्ग होते हुए सुबह 11 बजे लोधी खेड़ा स्थित श्री बाबा जी महाराज ग्रामस्थ आश्रम पहुंचेंगे। उनका यह निजी कार्यक्रम है, यहां तकरीबन 2 घंटे रहेंगे। इस दौरान संघ के क्षेत्रीय पदाधिकारियों से वे संवाद करेंगे। दोपहर 1 बजे वे नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। संघ प्रमुख के सौंसर दौरे को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। महाराष्ट्र की सीमा से ग्रामस्थ आश्रम तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आश्रम से उनका लगाव पहले से है, यहां भी 2 घंटे रुकेंगे। इस दौरान संघ के पदाधिकारी के साथ एक साथ उनकी विशेष बैठक होगी। इस बैठक में संघ के कुछ प्रमुख पदाधिकारी ही शामिल होंगे। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुँच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे पूनम चैम्बर। शहर के हृदय स्थल में स्थित श्री राम मंदिर में श्रावण मास में आयोजित रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हवन पूजन के साथ पूरा हुआ। सत्य धर्म मंडल ट्रस्ट के सचिव सतीश दुबे लाला ने बताया कि काशी से वेदाचार्य पंडित नंद किशोर शास्त्री के द्वारा सामूहिक रूप से समिति द्वारा किए गए नर्मदा जल से रुद्राभिषेक किया गया। पूरे माह चले रुद्राभिषेक में समिति द्वारा त्र्यंबकेश्वर, पशुपतिनाथ, बाबा महाकाल एवं बाबा अमरनाथ की प्रतिकृति बनाई गई। इसके साथ ही भूतेश्वर महादेव, खाटू श्याम बाबा, नागेश्वर एवं अन्य विभिन्न झांकियां बनाई गई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर कांग्रेस जनों ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थानीय राजीव कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के समस्त विभाग, प्रकोष्ठ व सभी अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। कांग्रेस जन ने सद्भावना दिवस के रूप में जन सरोकार से जुड़े आयोजनों को आयोजित कर मनाया। आज कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस
शहर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के सभी मोर्चा संगठनों द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी का जन्म जयंती मनाई गई, जिसमें उनके द्वारा देश के लिए किए गए योगदान के बारे में और देश में जो कंप्यूटर क्रांति लाने का काम, संचार क्रांति का काम जो आदरणीय हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने जो देश के लिए किया, उसको आज याद करके कांग्रेस जनों ने उनकी जन्म जयंती मनाई। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यता देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सबकी इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे पूनम चैम्बर। कैमरा और फोटोग्राफी शब्द सुनते ही आंखों के सामने खट्टे मीठे पलों की यादों की तस्वीर उभर आती है, किंतु इन तस्वीरों के पीछे इनके आविष्कार की कहानी शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। सन 1826 में दुनिया की पहली दिखने वाली तस्वीर खींचने का श्रेय जाता है फ्रांस के जुझारू इन्वेंटर जोसेफ नाइसफोर और उनके मित्र लुइस डागेर को, जिन्होंने अपनी आधी उम्र सिर्फ इस काम में समर्पित कर दी। तब से वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाने लगा। सौंसर में भी फोटोग्राफर बंधुओं ने विश्व फोटोग्राफी दिवस के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें नगर के वार्ड नंबर 10 श्री गणेश कॉलोनी उद्यान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत फोटोग्राफरों एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने वृक्षारोपण किया। इस कॉलोनी परिसर में फलदार एवं छायादार पौधों के साथ साथ औषधीय गुणों से भरपूर पौधे भी लगाए गए, जिसमें आम, जामुन, बेल, करंजी, नीम के पौधे भी लगाए गए हैं। जिनके घर जाते हैं फोटोग्राफी करते हैं, उनको इस तरह सेवा देते हैं। सबसे पहले उनके अंदर में जो है आज जो लोग देखने को मिलता है कि शादियों के यहाँ ब्याहों में किसी पार्टी में भी जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे को यहाँ ऑर्डर नहीं दिया है, मेरे को कोई किसी तरह से हीरो वाला के यहाँ मतलब पेश किया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अपन मुक्त है।